अनुमोदित हुआ और भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र गठित हुए। 1947 अगस्त 14 के विलंबित रात्रि को हमारे प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किला पर स्वाधीन भारत का झंडा फहराया था। ये तो गया हमारे संघर्षों की गाथा, अब आता है उन वीरों का नाम। तो सिप्रा, अब तुम हमें ये बताओ कि भारत को आजाद कराने वाले कौन कौन थे। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने अनुष्का, इसका उत्तर तो मैं जरूर दूंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत के आजादी में न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी, जैसे कि उनमें से सबसे पहला उदाहरण देना चाहूंगी 23 साल के भगत सिंह जी का, जिनको हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, परंतु गुलामी का जीवन व्यतीत करना कदापि मंजूर नहीं था। वैसे भी और भी कई उदाहरण है। वैसे उससे पहले क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारे जाति के पिता कौन है? बिल्कुल सही जवाब, हमारे जाति के पिता है महात्मा गांधी जी। और उनकी देश की आजादी में भूमिका क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, आईन अमान्य आंदोलन आदि आंदोलन के तहत भारत की आजादी में बहुत मदद की थी। वैसे ही एक और उदाहरण है, शायद आप में से कोई अगर भूल गया हो तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है शहीद राजगुरु जी का, जिनके स्वाधीनता मांग के कारण अंग्रेजों ने उनके शरीर के दो हिस्सों में विभक्त कर दिया था, इसलिए उनका योगदान भारत के आजादी के लिए हमेशा अविस्मरणीय और अतुलनीय रहेगा। और भी कई सारे नाम हैं। अगर नाम बताने में तू तो कई दिन निकल जाएंगे, परंतु यह नाम कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे ही और कई उदाहरण है, सुखदेव जी, सत्येंद्रनाथ बोस जी, बाल गंगाधर तिलक जी, चंद्रशेखर आजाद जी आदि कई नाम। उनमें से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनके स्वाधीनता आंदोलन ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अच्छा अनुष्का, ये तो गई हमारे वीरों की बात, अब मुझे ये बताओ कि ये आजादी हमारे लिए इतना गुरुत्वपूर्ण क्यों है? हाँ सिप्रा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगी, पर उससे पहले यहाँ उपस्थित सारे सज्जनों से हमारी तरफ से एक विनती है कि हमें पता है हम आप सभी के बहुत सारे समय ले रहे हैं, पर ये सब बातें जानना हमारे लिए उतना ही गुरुत्वपूर्ण है। उन संघर्षों की गाथा, उन वीरों का नाम, क्योंकि उनके उदाहरण से ही तो हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो प्रश्न ये था कि हमारे लिए आजादी का दिन इतना गुरुत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, ये आजादी का दिन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली दिन है। क्यों? क्योंकि आज के जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए ना जाने कितने वीरों ने लगते लगते अपने सांसें छोड़ी। ये आजादी हमें दान में नहीं मिली थी कि हमने मांगा और अंग्रेजों ने हम पर दया करके हमें दान में दे दिया, बल्कि ये तो लाखों करोड़ों वीरों की खून से कमाई हुई आजादी है। हम सब क्या है? हम सब एक भारतवासी है ना, एक सूत्र में बंधे है ना, तो एक भारतवासी होने के नाते इस भारतवर्ष के लिए हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता ही है। तो एक भारतवासी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी को अक्षुण रखेंगे और देश की उन्नति के लिए सदा सर्वदा चेष्टित रहेंगे। आशा करते हैं कि हमारे वक्तव्य से देश की आजादी के इतिहास के बारे में आप सभी को संक्षिप्त विवरण अवश्य मिली होगी। अंत में कुछ चंद पंक्तियों के साथ हम हमारा वक्तव्य शेष करना चाहेंगे। काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जमे उसके भी कभी काम आए। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। अब मैं हमारी बहन श्रद्धांजलि और दुर्गा श्री को वीर भाषा में भारत के नैतिक मूल्यबोध के बारे में संक्षिप्त विवरण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सिप्रा अनुष्का। सर्वप्रथमे अधिमंचे विराजमाना अतिथे
अभिनंदन। सप्तचत्वारिं शताधिकतमे वर्षे भारतः स्वाधीनता प्राप्तवान्, परन्तु नूतनत्व आधुनिकतया जन्म अलभत। इति मध्ये वयं स्वाधीनता प्राप्तवान्, देशस्य नागरिकान् दृष्ट्वा तु वयं पराधीनः न तु स्वाधीनः। तत्र कारणं नैतिकतायाः अभावम्। प्रच्युत श्रद्धाञ्जलि, इदानीं भारतस्य नैतिकमूल्यं किम्? अधुना किं नैतिकमूल्य दृष्ट्वा वा? सम्यक् प्रश्नं दिग्दर्शि। नैतिक मूल्य जत समाजस्य मूल्यम्, जस्य माध्यमेन कश्चित् दत्तेः समाजस्य देशस्य राष्ट्रस्य च चरित्रं भवति, तत् मूल्यस्य उपरि तत् ज्ञानं भवति, सम्यक् असम्यक् वा। अस्माकं नैतिक मूल्यबोधः भवति, तत् मूल्यं तत् सिद्धान्ताः विश्वस्य उपरि भवेत्। जत व्यक्तेः व्यवहारस्य परिवर्तनं कुर्यात्, व्यक्तेः कश्चित् कार्यस्य निष्पत्तिं नेतुं समर्थः भवेत्। अद्य भवन्तः दृष्ट्वा समाजस्य नैतिकतायाः ह्रासं भवति। किं दुर्गाश्री उच्यते? दुर्गाश्री, किमर्थम् आधुनिकता परम्परा मध्ये अन्तरं भवति? अत्र विचाररूपक महाभारतयुद्धो भवति। वास्तवजीवनं प्रकृतजीवनं च बहूनि पृथकानि। पुस्तकात् अर्जितज्ञानं पुस्तकज्ञानं भवति। वयम् अस्माकं जीवने न करोति प्रयोगं, परन्तु वयम् अस्माकं चिन्तनधारया परिवर्तनं नितान्त आवश्यकम्। प्रच्युत श्रद्धाञ्जलि, एतस्य उन्नतय किं करणीयम्? एतस्य उन्नतिनिमित्तम् अस्माकं संविधाने अनेकानि मूल्यबोधानि लिपिबद्धं वर्तते, परन्तु एतत् अलिखत किं भविष्यति? अस्माकं देशे अधुना लोकतन्त्रशासनं